जामनेर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2018 कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी कोण करणार शहरवासियांना राजी कोण मारणार निवडणुकीत बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा रोज कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा निवडणुकीची बातमी ताजी कोण मारणार नगर परिषदेत बाजी कोण होणार लोकनियुक्त नगर अध्यक्ष कोण कोण होणार नगर सेवक जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी डॉक्टर निनाद शेख आपल्या मुंबईहून आलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या या सेवेला संबोधित करावं. गिरीश महाजन जी, साधना ताई और भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार और भाई और बहनों, सचमुच मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है कि ये नगर पालिका का इलेक्शन है या ये लोकसभा का इलेक्शन है. इतनी बड़ी जनसभा, इतना लोगों का समंदर मैंने पहली बार देखा. मेरी यहाँ पे इतनी बड़ी भारी तादाद में जो बहनें बैठी हैं, इनको देखकर मुझे इस बात पे यकीन है कि जब किसी तहरीक में महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में आती हैं तो जीत यकीनी है. मैं जामनेर के इस भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को और गिरीश भाई जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस इलेक्शन में 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मेरे भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ये कोई कम्युनल पार्टी नहीं है, ये सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है. जब हमारी पार्टी का ये नारा है के सबका साथ और सबका विकास, ये इसी बात की दलील है कि आज इतनी बड़ी जनसभा में तमाम जाति पंथ और सारे लोगों को, सारे मजहब के लोगों को एक साथ लेकर यहाँ पे चलने की तहरीक मिलती है. मैंने यहाँ पे देखा कि उर्दू स्कूल, जो बड़े शहरों में भी इतनी अच्छी स्कूल नहीं होगी, इतनी बड़ी स्कूल यहाँ पे खोली गई. यहाँ पर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया गया. यहाँ पे शादी खाना खोला गया. एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात जो हमारे पंत प्रधान जी कहते हैं, उसकी सही तस्वीर मैंने जामनेर के इस शहर में देखी. जो अमन और शांति का माहौल इस शहर में है, मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस वाले जिस कम्युनल पार्टी कहते हैं, हिंदुत्व पार्टी कहते हैं, ये सही मानों में हिंदुत्व का मतलब ही नहीं समझते हैं. हिंदुत्व यानी सभी धर्मों के पूजा पद्धतियों का सम्मान का नाम हिंदुत्व. सही मानों में हिंदुत्व में सेक्युलरिज्म ऑलरेडी छुपा हुआ है. सर्वधर्म समभाव की बात करके कांग्रेस जिस तरह से लोगों का इस्तेमाल करती है, लोगों में भेदभावना छोड़ती है, इस बात की सही जवाब इस जामनेर की नगरी ने दिया है. मेरे भाइयों, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस जामनेर के तमाम अल्पसंख्यक लोग, तमाम मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे. मुझे इस बात का पूरा के पूरा विश्वास है.
अब जिस अमन और शांति की तस्वीर यहाँ पे नज़र आती है और गिरीश जी ने जिस ढंग से इतने सालों से इस जामनेर की तरक्की का साथ दिया है, उनकी सारी टीम, ये उनकी खुशनसीबी है और हमारी खुशनसीबी है कि साधना ताई ने नगर अध्यक्षा बनकर इस शहर की जो विकास का काम किया है और सारे जितने भी हमारे लोग हैं वो विकास की राजनीति करते हैं और विकास पर ही हम लोग चलते हैं। मेरा तमाम इस जामनेर के तमाम लोगों से एक गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारी तादाद में इनको जिता के लाने की गवाही हम देंगे। मेरे भाइयों, एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलने वाले मौजूद हैं, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। हर शहरी का एक वोट कितना अहम होता है। हम एक वोट से दुनिया बदलने की ताकत एक वोट में होती है। तरक्की के रास्ते में विकास के लिए एक वोट भी बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। इस बात के लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि एक बार एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी, इतनी बड़ी आग लगी और जंगल आग में दहक रहा था। एक छोटी सी चिड़िया अपने छोटी सी चोंच में एक पानी का कतरा लेकर उस जंगल पे जाती थी और पानी का कतरा डाल के आती थी, फिर एक बूंद पानी की लेकर उस जंगल पे जाकर उस आग पर पानी की बूंद डालती थी। तो एक कौवे ने कहा, ए चिड़िया, तू कितनी सी नन्ही सी तेरी जान, तेरी इतनी छोटी सी तेरी चोंच, क्या इस एक बूंद पानी से वो जंगल की आग बुझेगी? तो चिड़िया कहती है, ए कौवे, मैं जानती हूं ये आग तो बुझ जाएगी, लेकिन इसको बुझाने में मेरा भी नाम होगा। मेरे भाइयों, हमारा एक वोट उस बूंद पानी के बराबर है जो विकास के लिए काम करेगा, इस जामनेर की नगरी को आगे बढ़ाएगा और हमारे इस सारे भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे हिंदुस्तान में बुलंदी पर ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।